मर्सिडीज ने महाराष्ट्र में अपने चाकन प्लांट से नई सी क्लास लग्जरी सेडान को रोल आउट करने की घोषणा की है। कार निर्माता ने मौजूदा मर्सिडीज मालिकों के लिए 13 अप्रैल को कार के लिए बुकिंग लेना शुरू किया था और अन्य ग्राहक कार को 1 मई से बुक कर सकते हैं। नई सी क्लास 10 मई को बिक्री पर जाएगी और इसे 3 वेरिएंट C200, C200D और C300D मिलेंगे। नई सी क्लास बड़ी ग्रिल और पतली हेडलैम्प के साथ डिजाइन में नई पीढ़ी की एस क्लास की नकल करती है। पिछले हिस्से में रियर 2 टेल लाइट्स लगी हैं। कार को पहले से 25 मिलीमीटर लंबा व्हील बेस भी मिलता है। कैबिन में दूसरी पीढ़ी के MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 11.9 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। नई मर्सिडीज बेंज सी क्लास पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ आएगी, जिसमें इस बार पेट्रोल में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलेगा। कंपनी ने अब तक देश में 37,000 सी क्लास बेची हैं। ट्राइव मोटरसाइकिल इंडिया ने नई टाइगर 1200 एडवेंचर मोटरसाइकिल के लॉन्च को टीज किया है। पिछले साल के अंत में विश्व स्तर पर आई 2022 ट्रायंफ टाइगर 1200 एक बिल्कुल नया मॉडल है, जिसमें एक नई चैसी और एक अधिक ताकतवर इंजन शामिल है। भारत को टाइगर 1200 रैली और 1200 GT दोनों प्रो और एक्सप्लोरर रूप में मिलेंगे। GT स्पेक मॉडल सड़कों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि रैली स्पेक मॉडल को अच्छी टूरिंग क्षमता के साथ साथ अधिक ऑफरोडिंग क्षमता मिलती है। नई टाइगर 1200 नई हल्की एल्युमिनियम चैसी के कारण पहले की तुलना में 25 किलो हल्की है। ताकत बिल्कुल नए 1160 cc लिक्विड कूल्ड इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन से आएगी और बाइक की कीमतें 18 लाख रुपए से शुरू होने की उम्मीद है। लॉन्च इस साल मई में होने की संभावना है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार हीरो मोटोकॉर्प ने अपने आगामी इलेक्ट्रिक वाहनों को लैटिन अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में निर्यात करने की योजना बनाई है। कंपनी इस साल नए वीडा ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट में कदम रखेगी। हीरो की पहली इलेक्ट्रिक पेशकश 1 जुलाई 2022 को दिखाई जाएगी और बिक्री इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी अपने चित्तूर प्लांट में नई इलेक्ट्रिक पेशकश का निर्माण करेगी। हीरो ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए ताइवान की गोगोरो के साथ भागीदारी की है। वहीं कंपनी एथर एनर्जी से इनपुट भी ले रही है। वर्तमान में हीरो लैटिन अमेरिका में कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना और मेक्सिको में मौजूद है और यहां तक कि कंपनी का कोलंबिया में एक प्लांट भी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।